गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमें सर्कल ड्रॉ करना है और जो डिफरेंट पॉइंट्स में दिया हुआ है उसको मार्क करना है। सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। पहला है इसमें सेंटर ओ मार्क करना है, तो मैंने फिगर बनाया और दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। सेकेंड रेडियस, रेडियस आप कोई सी भी ले सकते हो, ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी, कोई भी। आप क्वेश्चन नंबर 1 वाला फिगर बनाएंगे तो काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आई थिंक सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें बस पहचानना है आपको। तो रेडियस ओ ए हो गई। उसके बाद डायमीटर हमें इसमें मार्क करना है, तो डायमीटर ए से लेके बी तक, ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हों और सेंटर से पास हो, तो दिस इज ए बी। ए बी इज डायमीटर। फिर डी पार्ट है सेक्टर। सेक्टर आपको मालूम है दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है, रीजन होता है, तो ये रेडियस हो गई ओ ए और ओ सी, एंड ए सी आर्क है, तो इसके बीच का जो एरिया है वो हमारा सेक्टर हो गया। फिर है अ सेगमेंट। तो सेगमेंट देखिए मैंने पी क्यू बनाया है, तो यहां पे मैंने सेगमेंट क्या होता है कि कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है, तो कॉर्ड पी क्यू बना ली और आर्क तो है ही यहां, तो इसके बीच का जो रीजन है दैट इज सेगमेंट, तो सेगमेंट इज पी क्यू। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, सर्कल के अंदर कोई सा भी पॉइंट आपको लिखना है। मैंने एम लिख दिया है, या ओ भी सर्कल के अंदर है, तो एम या ओ आप कुछ भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर आपको पॉइंट मार्क करना कोई भी, तो मैंने पॉइंट आर मार्क कर दिया है। लास्ट पार्ट है एन आर्क, इसमें आर्क मार्क करनी है, तो ए सी सर्कल का पार्ट होता है, तो ए सी आर्क हो गई, या इधर से पी क्यू भी हो सकती है, तो मैंने ये लिख दिया है आर्क ए सी। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है से ट्रू और फॉल्स। पहला है टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। ये कह रहे हैं कि टू डायमीटर्स, दोनों डायमीटर्स मतलब जरूर वो मिलेंगे, तो यस ट्रू है, क्योंकि आप कोई से भी डायमीटर खींचोगे दे विल पास थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास होंगे, तो सेंटर से पास होंगे तो हमेशा सेंटर पे मिलेंगे, सभी सेंटर से जाएंगे तो सेंटर पे तो जरूर मिलेंगे ना, तो मैंने ये फिगर आपको बता रखा है। तो टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, तो ये ट्रू है। फिर सेकेंड पार्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये कह रहे हैं कि जो सर्कल का सेंटर होता है हमेशा इसके अंदर ही होता है, तो आपने देखा होगा सर्कल आप जब बनाते हैं हमेशा सर्कल का सेंटर अंदर होता है, तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। इस तरह से हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।